सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मान्यता है कि इस मास किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों की मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास के समय सभी तीर्थ ब्रज क्षेत्र में निवास करते हैं। साथ ही ब्रजमंडल यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना तीर्थ की यात्रा करने का विशेष महत्व है। इसी क्रम में आज भगवान विष्णु के स्नेहजनों को पुरुषोत्तम मास के 21वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूँ, अतः सभी भक्तजन पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, विष्णु भगवान की। 21वां अध्याय। महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनुलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श कर भगवान हरि की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्ववत ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे राजन, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व की सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद्विष्णु परंग पदंग सदा पश्यन्ति सूर्य दिवि विश्वक्षुरातम, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा नियंत्रण रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों के अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा भली भांति चतुर्थयंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री वत्स लक्षण से चिन्हित वक्षस्थल वाले शांत नीले कमल के दल के समान छवि वाले तीन जगहों से टेढ़ी आकृति होने के कारण सुंदर श्री राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण कर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित हो, मौन होकर पवित्र हो, षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। फिर आह्वान कीजिए उनको, हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, श्री राधा के सहित आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आह्वान करें। फिर उनके आसन पर फूल रख करके कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से जड़े हुए और कार्तस्वर स्वर्ण से अलंकृत इस आसन को स्वीकार करें, यह कहकर आसन समर्पण करें। फिर पाँव में उनके गंगा, यमुना, सरस्वती आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुखदायक स्पर्श वाला जल आप पाँव पखारने के लिए ग्रहण करें, यह कहकर पाद्य समर्पण करें। फिर अर्घ्य दीजिए उनको, हे हरि, गोप किशोरियों के आनंद के हेतु गोपराज नंद जी के भवन में उत्पन्न हुए आप श्री राधा के सहित मुझसे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें, यह कहकर अर्घ समर्पण करें। फिर आत्मन से जल दीजिए उनको, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के अधिपति, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छे प्रकार से लाया गया और स्वर्ण के कलश में रखा हुआ गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। पंचामृत। फिर हे हरि, मुख से लाए हुए, मुझ से लाए हुए गए पंचामृत के द्वारा श्री राधिका के सहित विश्व के विधाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपकी पूजा से मेरे कार्य सफल हों। हे श्री राधिका जी को आनंद देने वाले दूध, दही, गाय का घी, शहद और चीनी, इन पदार्थों को स्वीकार करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान करावें। फिर उनको नमस्कार हाथ जोड़िए, हे योगेश्वर, हे देव, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, हे यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः स्नान कराइए भी उनको, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, गंगा जल के तुल्य नदी तीर्थ का मुझसे दिया गया यह शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। फिर उनको वस्त्र बनाइए, हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, यह कहकर वस्त्र समर्पण करें। वस्त्र समर्पण करने के बाद पुनः आचमन से जल दें उनको। वस्त्र धारण कराने के बाद, आचमन से जल देने के बाद यज्ञोपवीत बनाएं उनको, यज्ञोपवीत वाले जनेऊ, हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें, हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को ग्रहण करें, यह कहकर उपवीत जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें पुनः। फिर उनको चंदन लगाइएगा, हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके निमित्त है, इसे स्वीकार करें, यह कहकर चंदन समर्पण करें। फिर अक्षत,
हे सुरश्रेष्ठ, कुमकुम से रंगे हुए सुशोभित अक्षतों को भक्तिपूर्वक मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप इन्हें ग्रहण करें, यह कहकर अक्षत समर्पण करें। फिर पुष्प चढ़ाइए उन पर। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपकी पूजा के लिए लाया हूँ, आप इन पुष्पों को स्वीकार करें, यह कहकर पुष्प समर्पण करें। अनंतर अंगों का फिर पूजन करें। नंदात्मज, यशोदातनय, केशी सूदन, भूभारोत्तारक, अनंत, विष्णु रूपध्रक, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकलास्त्रध्रक, वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जगन, कटी, मेर, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, सर्वांग में नेत्र, शिर तथा सर्वांगी हाथों में फूल लेकर क्रमशः चतुर्थयंत्र नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान की पूजा करें। इस प्रकार प्रत्यंग की पूजा कर फिर चतुर्थयंत्र, केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक फूल हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। फिर धूप जलाएं उनके लिए। वनस्पतियों के रस से बना दिव्य गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सुगने के योग्य यह धूप है, इसे आप ग्रहण करें, यह कहकर धूप समर्पण करें। फिर दीप जलाइए उनके लिए। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति स्वरूप हैं, तेजों के उत्तम तेज हैं, आत्मज्योति हैं, परम धाम हैं, यह दीप है, इसे आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप समर्पण करें। फिर नैवेद्य बना होगा, जो नैवेद्य दीजिए उनको, बताशे वगैरह जो भी बना रखा। हे देव, नैवेद्य स्वीकार करें, मेरी भक्ति को अंचल करें, मेरे अभिलषित वर को देवें और परलोक में परम गति प्रदान करें, यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, उसके बाद फिर जल दीजिए उनको। अंत में उत्तरोपासन समर्पण करके फिर कहिए, हे ऋषि के, हे त्रैलोकी की व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छे प्रकार से स्वर्ण के कलश में गंगा जल लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। फिर आचमन कराइए, फिर फल रखिए उनके लिए भगवान जी के। हे देव, इस फल को आपके सम्मुख स्थापित किया है, इसलिए मुझे जन्म जन्मांतर में सुंदर फलों की प्राप्ति हो, यह कहकर श्रीफल, बेल आदि जो भी है समर्पण करें, परोदर्तन परोदर्तन करें। फिर अब हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोदर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें, यह कहकर करोदर्तन समर्पण करें। ताम्बूलम पान। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से चढ़ाए हुए इस पान के बीड़े को आप ग्रहण करें, यह कहकर तांबूल समर्पण किया। दक्षिणा पे हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाले स्वर्ण को आप ग्रहण करें और मुझे शांति प्रदान करें, यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। फिर आरती की जाएगी। शरद काल में खिलने वाले कमल के समान श्याम, तीन जगह से टेढ़े होने से मनोहर आकृति वाले देवी श्री राधा के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, यह कहकर निराजन समर्पण करें। फिर प्रदक्षिणा कीजिए उनको। हे जगन्नाथ, रक्षा करें, रक्षा करें, हे त्रैलोकी के नायक, रक्षा करें, आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें, यह कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। भी यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के अधिपति नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर उनको प्रणाम नमस्कार कीजिए। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के अधिपति गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। फिर क्षमा मांगिए उनसे। मंत्रहीनं, क्रियाहीनं, भक्तिहीनं जनार्दनो यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुमि। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापण समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। एक महीना पुरुषोत्तम मास पर्यंत घी का अखंड दीप समस्त फलों की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। यश स्मृत्या नामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादिशु न्यूनंग संपूर्णतांग याति सद्यो वंदे तमुच्चतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादाता गुरु तांग कर्म प्रचवेता ध्वरेशु यत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णंग शादिति सूची। इस मंत्र से जो कुछ न्यूनता पूजन में कमी रह गई हो उसको पूरा करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस भूतल पर मनुष्य का शरीर पाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव भगवान को, वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान सांवले वर्ण वाले श्री राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का भक्तिभाव के साथ प्रीति से पूजन करेंगे, वे इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों का उपभोग कर लेने के बाद परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ब्रह्म नारद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़ धनवा व्याख्यान का पुरुषोत्तम मास पूजन विधि नामक 21वां अध्याय। तत्सत। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की।